गुरु पूर्णिमा महोत्सव से पहले अयोध्या धाम के रामघाट बाईपास पर स्थित नेपाली बाबा आश्रम में विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राम नगरी के संत महंत बड़ी संख्या में शामिल हुए। आपको बता दूं, तपस्वी संत श्री आत्मानंद दास महात्यागी नेपाली बाबा आश्रम के उत्तराधिकारी महंत श्री हंस राज दास जी महाराज ने बताया कि आज आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के लिए कार्यक्रम में संत महंत बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे संवाददाता राहुल सिंह के साथ देखें अयोध्या से ये रिपोर्ट। देखिए, साल में हर एक साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आता है और जितने भक्त हैं और जितने शिष्य हैं, अनुयायी हैं, आज के दिन मैंने बहुत महत्व रहता है गुरु जी के दर्शन करने। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु का मतलब है कि अंधकार से प्रकाश में लाना, उनको गुरु माना जाता है। तो गुरु जी के साल में एक बार दर्शन करना इसलिए पड़ता है कि हर एक समय हम लोग हमेशा 12 महीना तो गुरु जी के पास रहते नहीं हैं, भक्त लोग रहते नहीं हैं, लेकिन गुरु जी के दर्शन करने से एक बार जो बैटरी चार्ज हो जाती है तो एक साल चलता रहता है, इसलिए गुरु जी के दर्शन करना आवश्यक है। आज संत महात्माओं और गुरुजनों का भंडारा है, कल भक्त के लिए भंडारा है और गुरु पूजन है। करीब 9 बजे से 12 बजे तक गुरु पूजन चलेगा, उसके बाद भंडारा चालू होगा, कल भी भंडारा है। अवसर पे समस्त अयोध्यावासी, बाहर के आए हुए सभी संत श्रद्धालुओं का, उनके तरफ से एक वरिष्ठ भोजन का व्यवस्था, प्रसादी का व्यवस्था दी गई है, जो कि समस्त अनुयायी यहाँ पे उपस्थित है। पूर्व संध्या पे क्या कहेंगे, गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा के दिन चूँकि हर दिन सब जगह भंडारा चलता था, हम लोगों का ये हुआ कि जैसे हर जगह हर लोग व्यस्त रहेंगे, तो इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के पहले ही करके कल पूजन की विधि व्यवस्था वो चलेगी। और सभी भक्तों जनों से यही निवेदन है कि गुरु पूर्णिमा में आए और प्रसादी लें। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा देखिए, गुरु ज्ञान देता है, एक ऐसी शाखा है जो हर भक्त अपने गुरु से भगवान की पद्धति को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, भगवान कौन है, क्या है, उनकी नियमावली क्या है, वो वरिष्ठ संत ही उस परिभाषा को समझा पाते हैं। क्या नाम है? महंत सूरत दास, राम निवास, राम कोटा।